आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग, 32 में से 31 सीटों पर हासिल की जीत। राष्ट्रपति मैक्रों ने अचानक भंग की संसद, 30 जून को फ्रांस में चुनाव कराने का ऐलान। अध्यक्ष नड्डा के कैबिनेट में शामिल होने के बाद मची खलबली। नरेंद्र मोदी को यूपी से लगा तगड़ा चुनावी झटका, उससे कैबिनेट में शामिल हुए 9 मंत्री। हिंसा को बढ़ावा देना स्वीकार नहीं, इंदिरा हत्याकांड वाले खालिस्तानी पोस्टरों पर कनाडा के मंत्री ने जताया विरोध। क्या महाराष्ट्र में फिर होगा खेला, अजीत गुट ने ठुकराया मोदी कैबिनेट का ऑफर, अब विधायकों के संपर्क में शरद पवार। चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दा उठाना गैर जिम्मेदाराना, पीएम मोदी पर कांग्रेस का हमला। विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नेपाल संबंध मजबूत होंगे, नेपाली पीएम का बयान। उड़ीसा में भाजपा की पहली सरकार का शपथ समारोह, अब 12 जून को पीएम मोदी निकालेंगे रोड शो। शपथ ग्रहण करते ही पीएम मोदी को पड़ोसी देश से मिला पहला न्योता, नई सरकार के साथ रास्ते बेहतर बनाने को तय जताई इच्छा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।